सावन का महीना चल रहा है और हरियाली तीज भी आने वाली है, तो क्यों ना हम इस बार हरियाली तीज पर हरा भरा गिफ्ट तैयार करें। तो आज हम इसके लिए कोकीडामा बनाएंगे। कोकीडामा एक जैपनीज टेक्निक है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कोकी मतलब मॉस और डामा मतलब बॉल, ऐसा प्लांट जो कि एक मॉस बॉल में उगा हुआ सा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ये मॉस ग्रास और कोकोपी चाहिएगी जो पहले से भिगो के रखेंगे, और हम ये फर्न भी लेंगे जिससे हम अपना प्लांट तैयार करें। अब हम मिट्टी तैयार करने से पहले इस मॉस ग्रास को पानी में भिगो देते हैं, और अब हम अपनी मिट्टी तैयार करते हैं। इस मिट्टी में मैंने 1:1:1 रेशियो में कोकोपीट, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिलाया है। इसमें थोड़ी सी नीम खली और थोड़े चारकोल पीसेस भी मिलाए हैं। इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये एक बॉल सा बन जाए। इस बॉल के अंदर ये हमारे प्लांट को होल्ड करके रखेगा। अब हम ये न्यूज़पेपर लेंगे और इस जो पहले हमने मॉस ग्रास पानी में भिगोई थी उसको अच्छे से दबाकर हम इसको एक मोटी सी लेयर में एक शीट की तरह बिछा लेंगे, और इसमें जो भी छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं, कुछ कचरा है, उसको हम बाहर हटा देंगे। इसको जब हम एक शीट में लगाते हैं तो ये हमारे प्लांट को बहुत अच्छी तरह से बाइंड करता है। अब जो हमने पहले मिट्टी तैयार की थी उसके बॉल को हम दो भागों में लेके इसके एक पार्ट में हम इस तरह प्लांट को रखकर और जो उसका हाफ था मिट्टी का पोर्शन उसको हम मिलाकर और अच्छे से दबाएंगे ताकि इसमें कोई भी एयर पॉकेट ना रह जाए। और अगर थोड़ी मिट्टी की जरूरत पड़े, कहीं से निकल जाए, तो हम थोड़ा लेके इसको लगा सकते। अब ये हमारा पूरा एक बॉल तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम मॉस ग्रास को लगाएंगे। मॉस ग्रास को लगाने के लिए इस पे हम पहले रखकर धीरे से न्यूज़पेपर को ऊपर उठाते हुए मॉस ग्रास को चिपकाएंगे। जब ये अच्छे से दबाएंगे तभी सेट होगा, नहीं तो ये उखड़ के नीचे आ जाएगा। चारों तरफ से बिल्कुल टाइटली इसको अच्छे से दबा के बांध दें। अब इसको हम एक नॉर्मल थ्रेड से पहले हल्का सा बांध लेंगे ताकि हम जब इसमें कलरफुल रस्सी लगाएंगे तो उसको बांधने में हमें थोड़ा इजी रहे। अब हम इसको सैटन रिबन से, कोई भी कलरफुल, कोई भी डेकोरेटिव रस्सी से बांध सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसमें ये मौली जो हम पूजा में यूज करते हैं उससे ही लिया है और उसी से मैं इसको बांध रही हूँ। अब हम इसको किसी भी तरह से, कोई भी टेक्निक से जो हमें अच्छी लगती हो उससे हम बांध सकते हैं। बस ख्याल हमको इतना रखना है कि इसमें से मॉस ग्रास बाहर ना निकले, हमें इस तरह रस्सी को बांधनी है। चारों तरफ से अच्छे से लपेट दें। अब जहां से हमने नीचे से शुरुआत की थी हम उसी छोर से इसको नॉट लगा देंगे। अब बारी आती है इसको पानी देने की। 5 मिनट हमें इसे बाल्टी में इस तरह पानी में रख कर और हम इसको बाहर निकाल लें, और कोई भी डेकोरेटिव फ्लावर या जो भी हमको सजाना है इसके ऊपर हमें लगा सकते हैं। पानी देते वक्त ये जो भी लगाते हैं ऊपर फ्लावर वगैरह, इसको हम हटा देंगे, उसके बाद ही देंगे। अब हम ये थाली को डेकोरेट करने के लिए ये पॉम पॉम को फेविकॉल से चिपकाएंगे। और अभी मैंने छोटी ट्रे में केले के पत्ते को गोल काट कर लिया है, इसमें हम अपनी कोकीडामा रख देंगे। क्योंकि ये हमारा हरियाली तीज का स्पेशल है हमारा वीडियो, इसलिए हम ये पूरा सामान रख के थाली को इस तरह सजा ले। ये एनवेलप भी मैंने पुराने शादी के कार्ड से डेकोरेट किया है। अब
अब इस कोकीडामा को हम हैंग भी कर सकते हैं। ये कोकीडामा सब तरह के प्लांट से बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर कोकीडामा शेड लविंग प्लांट और मॉइस्चर लविंग प्लांट से बनाया जाता है। मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, सिंगोनियम, ये ऐसे प्लांट हैं जो बिल्कुल मिनिमम केयर में भी अच्छी तरह से जल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।